नमस्कार, बोल्स्काई में आप सभी का स्वागत है। शारीरिक संबंध बनाना मानवीय जीवन का एक महत्वपूर्ण अंग है। अक्सर संतान प्राप्ति के लिए लोग शारीरिक संबंध बनाने को उचित मानते हैं, लेकिन ये एक तरह का व्यायाम भी है। इससे सेहत संबंधी कई तरह की परेशानियों का समाधान भी होता है। तो आइए जानते हैं कि नियमित शारीरिक संबंध बनाने के आखिर फायदे हैं क्या। एक्सपर्ट्स का मानना है कि जो लोग शारीरिक संबंध बनाने में एक्टिव होते हैं, ऐसे लोग कम ही बीमार पड़ते हैं। संबंध बनाते वक्त एक्टिव लोगों में जर्म्स, वायरस और अन्य संक्रामक बीमारियों को फैलाने वाले कारकों से लड़ने वाले कारक का स्तर काफी ज्यादा होता है। एक स्टडी के मुताबिक हफ्ते में एक या दो बार शारीरिक संबंध बनाने वाले लोगों में एंटीबॉडी का स्तर उन लोगों के मुकाबले काफी ज्यादा पाया जाता है जो हफ्ते में एक बार भी शारीरिक संबंध नहीं बनाते। वहीं विशेषज्ञों की माने तो जो लोग नियमित शारीरिक संबंध बनाते हैं उनमें कामेच्छा यानी कि लिबोडो का स्तर बढ़ता है। इसके अलावा महिलाओं में ये योनि के रूखेपन को दूर करता है और रक्त संचार को भी दुरुस्त करता है। विशेषज्ञों की माने तो नियमित रूप से शारीरिक संबंध बनाने से ब्लड प्रेशर कम करने में भी मदद मिलती है। वहीं शारीरिक संबंध बनाना एक तरह का व्यायाम है। इसके लिए 5 कैलोरी की जरूरत होती है, जो टीवी देखने के लिए जरूरी कैलोरी से 4 कैलोरी ज्यादा है। इसके अलावा ये मांसपेशियों को मजबूत और हार्ट रेट को बेहतर बनाता है। रिसर्च में ये बताया गया है कि जो पुरुष महीने में कम से कम 21 बार संबंध बनाते हैं, ऐसे लोगों में प्रोस्टेट कैंसर का खतरा काफी कम होता है। शारीरिक संबंध की वजह से तनाव और चिंता में भी कमी आती है, जो आपको अच्छा फील करने में मदद करती है। वहीं शारीरिक संबंध बनाने से आपकी नींद भी सुधरती है। विशेषज्ञों की माने तो ऑर्गेज्म के बाद शरीर में प्रोलैक्टिन नाम का एक हार्मोन रिलीज होता है, जो शरीर को आराम देने के लिए जिम्मेदार है। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक और शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।